हेलो सभी को, आज लाई हूँ मैं आपके लिए चने की ब्लड कंट्रोल कैसे की जाती है। अभी इस सीज़न में फ्लावर चल रहे हैं इसमें और फ्लावर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बट नेक्स्ट जैसे ही फलियाँ बैठेगी और इसमें लट आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टी आकार के बैंड बनाकर हमें खेत में लगाने हैं ताकि पक्षी अच्छे से बैठें। और एक मीटर के अंडर में अगर 2-3 लड्डे हमें दिख गई हो तो ETL से एबो माना जाएगा इसको और हमें रासायनिक पे कंट्रोल करना है। लेकिन उससे पहले हमें फिरोमेन ट्रैप और जैसे कि हम देसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं वैसे करना है। तो इस फील्ड में फिरोमेन ट्रैप भी लगी हुई है और काफ़ी सारी तितलियाँ हैं जो अंदर कलेक्ट भी हुई हुई हैं, तो आगे वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा इसमें। और उसके बाद में हमें जाना है केमिकल पे। जो ये फिरोमेन ट्रैप है वो एग्रीकल्चर की जहाँ शॉप होगी वहाँ से मिल जाएगा और ये प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल होगा। हम इसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो एक लूर होती है वो हर 7 दिन में हमें बदलनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है और कंट्रोल हो जाएगा। अगर उसके बाद में भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमें जाना है रासायनिक पे और उसमें 2 टाइप की दवाइयाँ हम काम में ले सकते हैं। एक है NPV, जो एक बार यूज़ करने के बाद में जो लटे उल्टी होकर लटकी हुई रहती है, अगर उन लटों को भी इकट्ठा कर हम पेस्ट बनाकर स्प्रे कर देते हैं तो हमें दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी दवाई है इमामेक्टिन बेंजोइट, जो सर्दियों में बहुत अच्छे से वर्क करती है लटों को कंट्रोल करने में, तो हम इमामेक्टिन बेंजोइट का भी उपयोग कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी दोनों दवाइयों का नाम। और ये दिख रही है हनी बी, जो यहाँ पर परागण का काम कर रही है इसलिए इसमें इतने अच्छे फ्लावरिंग आ रहे हैं। नहीं तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी।